हेलो फ्रेंड, दगली पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, टिल्लू स्क्वायर मूवी से स्क्रीन पर रिएक्शन दे रहे हैं। काफी कॉमेडी सीन सब देखने मिल रहा है। लास्ट जो सीन देखे हैं उसमें हमको देखे हैं लिली आका जो अनुपमा है वो कमबैक कर चुकी है, वो मिल गई है। एंड मिली भी कैसा है कि वो प्रेग्नेंट है, वो कॉमेडी सीन है। इसको झटका मिला है एंड ये अब उसके बर्थडे के दिन फिर से गायब है। उसको जो भी हीरोइन थी पहला वाला पार्ट में, ये पार्ट में फिर से कुछ प्रॉब्लम आया और टिल्लू गया वहां पे। उसके बाद से जो कांड होना स्टार्ट हुआ, तो मेरे हिसाब से लास्ट जो सीन एंड हुआ है कि वो जा रहा है अनुपमा के पास, मेरे हिसाब से अब कुछ कुछ रिवील होगा, कुछ ना कुछ आपको अभी देखने मिलेगा इसका ट्विस्ट जो भी है। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, टिल्लू स्क्वायर से एक और जबरदस्त सीन ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। तो वही अपार्टमेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों वो भी देख रहा है। उसमें था वो लगाना। हाँ, वही तो, ये वाला अभी टेंशन में आ रहा पूरा। फिर से ऐसे जा रहा है और पकड़ लेगा ऐसे। साइन जी, ना को साइन बेटा निकला साधु को ले बेर मुद्रा कोई सर को अच्छा बोला ये अपार्टमेंट की लास्ट भी आया था ना जाए पे मतलब तो लोगों को ने हैदराबाद को छे टू मच है तुम्हें एक कर बता जब तो उसका ग्लव्स ग्लव्स पहन के वो हैंड प्रिंट कहीं नहीं होगा बोल सेम पोजीशन अपार्टमेंट हुई है। बैठा वैसे ही वहां पे तो वही था जिसको मर गया वो। वो उसका भाई है रोहित, उसका नाम भी रोहित ही था। अरे फोटोग्राफी ग्लास पहले रहा अब तो वही बेडरूम में, वही वाला रूम में हुआ वही रूम है बच्चे एंटर नहीं कर रहा, लास्ट बंद हो गया था याद है ना। वही तो था तो इसका भाई है ये। उस समय भी बेल बजा था यार, उस समय भी बेल आया था। बोल क्या जबरदस्त
बाहर जा सकते हैं ना, वहां क्यों बैठ रहा हूँ? उसको ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఎలిమెంట్ కావాలి. ఖరీదోగా షాప్ సార్ కుదరత. वही जगह है पूरा. कलर तो दे रहा हूँ, कार भी दे चमक रहा है पूरा. ये भी साड़ी पहन के घूम रही है. अच्छा कर रहा है. उठा हुआ देख पूरा दिख रहा है. पूरा पूरा नहीं नॉर्मल दिख रहा है पूरा. नहीं बोल रहा చంపి పాతి పెట్టేసి ఉంటారేమో అని అనిపిస్తుంది.
భాగ్నే కో రెడీ తెలియాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఎక్కడ తోవాలి కోడ నంబర్ అయ్యా అయ్యా గాలా ఏయితా కోడేగా నేను मल्ला उस समय भी उसका पेट देख कर याद है कमर फंस गया था उसने खोदने वाला मुझे लगता है भाग गया इतना देर आया नहीं माने पाए वहां से है ना देखना मैं लेकिन अब ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कोई इंसिडेंट नहीं लग रहा मुझे लग तो रहा कुछ अनुपमा का कुछ होने वाला है क्योंकि सेम अपार्टमेंट सेम प्लेस में बैठना वही रूम में वो फोटो भी दिखा रही है और डायलॉग भी वही उसको बोली मतलब ए, पता नहीं ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर स्पॉट भी आ गया आगे हाँ एंड उसको ही खींच खींच के वो फोटो भी दिखाने के लिए वो रूम में घुसा रही थी अच्छा था ये चीन भी इंटरेस्टिंग था ग्लव्स वाला अच्छा था फिंगरप्रिंट था इसको बच के गया ग्लव्स का सब वही लोग हैं हर जगह वो सिक्योरिटी गार्ड भी था करेक्ट करेक्ट वो जो अच्छा दिखा है वो जो कार से उतर के जब आया ना ये सेम प्लेस है ईस्टम डर डर के आ रहा उससे पहले जो डिजिटल डिजिटल वो वाला अच्छा दिखाया इसमें है ना अच्छा था दोस्तों मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि कोइंसिडेंट नहीं लग रहा है कुछ आगे का सीन में मुझे तो लग रहा है कुछ होने वाला है ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट स्पॉट पे आना और लग तो रहा कुछ ना कुछ अनुपमों का खुलेगा ऐसा है ना ठीक देखते हैं आगे क्या है कुछ कॉमेडी सीन तो देखने मिला फिर से डीजे टिल्लू अपना बर्थडे में फंस चुका है और फिर से कितना अच्छा नेचुरल एक्टिंग चल रहा है बहुत अच्छा कर रहा सिद्धू टिल्लू का जो एक्टिंग बहुत अच्छा टू गुड पूरा वो मतलब फेस जो भी स्क्रीन में पर वही दिख रहा है अच्छा बातचीत वातचीत तो इतना अच्छा है स्लैंग जो है बड़ी अच्छा है मैं तो बोला ना मुझे वो जब भी देखा तो मुझे पूरा वेरी यंग फिरोज खान याद आ रहा है एक्टर वैसे ही फेस कट है यंग वाला बाल भी वैसा है लंबा थोड़ा अच्छा दिख रहा है ठीक है दोस्तों इगली वेट रहेगा आगे का सीन मुझे लगता है आगे का सीन में कुछ तो बहुत गड़बड़ी होगा कुछ ना कुछ भागने या ट्राई किया है तो कुछ ना कुछ फंसेगा या क्या होगा देखते आगे बहुत कुछ रिवील होगा ठीक है अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय।